राज्य भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मैनपुरी कस्बा भोगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा किया गया। यह ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान लिकर्स लिमिटेड के तिलक राज शर्मा के सहयोग से लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट में पूरा खर्च तिलक राज शर्मा कानपुर वालों ने उठाया है। इस मौके पर डीएम अविनाश कृष्णा सिंह ने कहा कि कोरोना की लहर में ऑक्सीजन की कमी से सभी को जूझना पड़ा था। वहीं शासन की पहल पर जिले में 4 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इस समय 3 जिला अस्पताल और स्वास्थ्य 100-सैया अस्पताल परिसर में स्थापित है, जबकि 4था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव में स्थापित हो गया है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हमेशा से अपने शिक्षा के उच्च स्तर और नए बेहतर प्रयोगों के लिए जाना जाता है और उसके साथ साथ विश्व शांति के उद्देश्य के लिए पिछले 21 सालों से सीएमएस मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता आ रहा है और इस बार भी 12 नवंबर से 22 नवंबर तक 22वां न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। संभल के धनारी थाना के गांव दिनौरा में कव्वाली प्रोग्राम के चलते बड़ी संख्या में लोग कव्वाली सुनने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव ने कव्वाली कार्यक्रम का फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं महिला कव्वाल ने कव्वाली पढ़कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और खूब वाहवाही बटोरी। इस कव्वाली कार्यक्रम के दौरान पुलिस भी मुस्तैद दिखाई दी। सहारनपुर के पुलिस कप्तान आकाश तोमर के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी मनीष कुमार शर्मा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटने में हद कर दी और यातायात महीने के केवल शुरुआती 10 दिन में ही करीब 111 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए, जबकि इसमें 14,87,500 रुपए से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। अधिकांश आकाश तोमर ने 1 नवंबर से यातायात महीने की शुरुआत की थी और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस 10 दिन सक्रिय रही और धड़ाधड़ चालान काटे। देखिए, यातायात माह नवंबर में चलाया जाता है। इसमें मुख्य एजेंडा हमारा होता है यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं और जो लोगों की जान जाती है उसमें कमी आ सके। विशेषकर हम बच्चों को, स्कूल के कॉलेजेस को, बच्चों को, उनको टारगेट करते हैं। विभिन्न रैली और स्किट्स, ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि लोग जागरूक हो सकें। इसमें जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ। कुरान की आयतें हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद भी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक और कारनामा सामने आया है। अब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी पर किताब लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया। वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती से अपनी इस विवादित किताब मोहम्मद का विमोचन कराया। इसके बाद से ही देश भर में इस किताब का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड सहित सभी इमामों ने इस किताब को लेकर सख्त विरोध दर्ज कराया है। वहीं सहारनपुर में भी समस्त शिया समुदाय के लोगों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर एसएसपी से मिला है और इस किताब को लेकर लेखक, मुद्रक, प्रकाशक और विमोचन सहित अन्य शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने एक लिखित तहरीर भी दी है। इस मामले पर शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि एक निश्चित साजिश के तहत इस किताब को जारी किया गया है। फतेहपुर के हदगाम ब्लॉक परिसर में 2 महीने पहले हुई बारिश के चलते गरीबों के घर धराशाही हो गए। धराशाही हुए आशियाने की हकीकत जानने के लिए कांग्रेस के युवा नेता शिवाकांत तिवारी ने दिवाली के पहले ग्रामीणों से मुलाकात की थी और आज युवा नेता ने गरीबों के साथ मिलकर ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और सरकार की नीति के अनुसार गरीबों को पीएम आवास देने की बात कही है।
औरैया के पुलिस अधीक्षक का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां सोशल मीडिया में वायरल हो रही फोटो का अधीक्षक ने खुद संज्ञान लेकर थाना अध्यक्ष विधुना को जमकर फटकार लगाई। साथ ही सभी थाने में मौजूद पुलिस की गाड़ियों समेत डायल 12 में भी शवों को रखने के लिए बॉडी बैग को रखने से सख्त निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में ढिलाई करने पर संबंधित थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया में अछलदा से भाजपा के ब्लॉक प्रमुख ने सोशल मीडिया पर वायरल की थी फोटो। अक्षय नवमी के पर्व पर मथुरा वृंदावन में परिक्रमार्थियों द्वारा लगाए जाने वाले परिक्रमा को सुगम बनाए जाने के दृष्टि से महापौर एवं नगर आयुक्त ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त महोदय ने कच्ची परिक्रमा मार्ग में आवश्यकतानुसार मिट्टी जलवाने के साथ परिक्रमा मार्ग को समतल कराए जाने के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए हैं। अयोध्या में शुरू हो रही 12 नवंबर से परिक्रमा को लेकर डीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मास्क लगाकर परिक्रमा करें और हो सके तो वैक्सीनेशन करवा कर ही अपनी परिक्रमा संपन्न करें। डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि परिक्रमा पथ को सुगम और सुलभ बनाया जा रहा है ताकि जो भी श्रद्धालु परिक्रमा में आए वो बेहतरी एहसास करें। उन्होंने कहा कि परिक्रमा पथ के किनारे वॉलेंटियर स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट किया गया है। देखिए, 14 कोसी और पंच कोसी परिक्रमा के जो मार्ग हैं उनको हम लोगों ने सभी अधिकारियों के साथ लोगों ने भ्रमण किया है, देखा है, उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है कि लोग जो परिक्रमा करने आए हैं उनको बेहतर एक एहसास हो और उन्हें लगे कि हमारे लिए लोगों ने प्रयास किया है, सफाई व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं। जगह जगह वॉलंटियर के द्वारा भी फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं, इसको बेहतर तरीके से किया जाएगा और उनको लगे कि जो यात्रा है वो आरामदायक हो और बेहतर रूप से अपने आप को एक अनुभव को लेकर जाए यहाँ से, जनपद से, और पूरे समाज के लिए एक अच्छा बेहतर संदेश हो और अयोध्या की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, जो भी परिक्रमा में आ रहे हैं उनका स्वागत है और बेहतर तरीके से हम लोग लोगों को सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं। कोविड के प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से है उनको दूरी मेंटेन करने का, और मास्क अगर लगा सके तो बहुत बेहतर होगा, मास्क लगा के करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा, और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे और अपने हाथ को समयबद्ध तरीके से आप इसको धोते रहेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और आपने जो कोविड के नॉर्म्स हैं, काफ़ी समय से कोविड चल रहा है और मेरा ये मानना है कि वैक्सीनेशन पे फोकस करना है कि जो लोग फतेहपुर में शासन प्रशासन के आदेश पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर चौराहे में मतदाता जागरूकता अभियान एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा सप्ताह के तहत लघु फिल्म बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश में जागरूकता अभियान जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किए जा रहे हैं। अलीगढ़ के जीटी रोड पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां तमंचे के बल पर धनीपुर नवीन गल्ला मंडी के अड़ती देव कुमार के कर्मचारी अजय से दिन दहाड़े 22 लाख रुपए लूट लिए गए। 22 लाख की लूट के बाद पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए हैं, जहां एक ओर पुलिस प्रशासन तमाम तरह की चेकिंग के दावे करती है और तरह तरह के अभियानों को चलाने की बातें कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस व्यवस्था कितनी दुरुस्त है इस बात का अंदाजा दिन दहाड़े हुई 22 लाख की लूट से लगाया जा सकता है। पार्क में वादी द्वारा सूचना दी गई है कि उसके नौकर पैसा निकालकर लेके जा रहा था, रास्ते में उसके साथ पैसे किसी ने ले लिए, उसकी जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया के चौराहे विधुना में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने उपनिरीक्षक राजेश चौहान पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती युवक का शव अपनी गाड़ी में डालकर पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जिसकी सूचना ना ही किसी परिजन को दी और ना ही शव को अस्पताल ले गए।
आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के समसल सलीपुर गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जहां 8 नवंबर की रात गांव में शराब खरीदकर मंगरू और छोटे लाल राजभर ने पी थी और जिसके बाद 9 से तबीयत खराब होने पर परिजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएमओ और एसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। तो इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीली शराब के सेवन से कई और लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। आज गांव समसलीपुर में हम लोग आए हैं। यहाँ पे दो लोगों की डेथ होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मृत्यु का कारण पता चल सके। परिजनों के द्वारा शराब पीने की बात बताई गई थी, तो कुछ शराब के हम लोगों को सैंपल्स मिले हैं, उनकी जाँच के लिए जो संबंधित अफसर्स हैं उनको बता दिया गया है। एक व्यक्ति जिसके बारे में बताया गया कि उसने उसके साथ इनके साथ बैठ के शराब पी थी और शराब की सप्लाई की थी, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या है, अगर इसमें कोई लोग इन्वॉल्व हैं जिनका इसमें शामिल है। अब खबर फतेहपुर के बकेवर थाना क्षेत्र के बरी गांव की है, जहां पे राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करके भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा मोर की जाल बिछाकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने हत्या करने वाले एक युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और बकेवर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं दो आरोपी भागने में सफल रहे हैं। सहारनपुर के थाना सदर बाजार स्थित हकीकत नगर में एक बंद पड़े मकान में चोरों ने रात के समय चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं मकान मालिक ने बताया कि वो देहरादून के जॉली ग्रांट में परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने गए हुए थे और मकान पर ताला लगा हुआ था। जब वो घर पहुंचे तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था और लाखों रुपए चोरी हो गए थे, जिसमें नकदी और जेवरात भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने सदर बाजार थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। सदर बाजार के हकीकत नगर मोहल्ले में एक चोरी की घटना हुई है। इसमें जो मेहता परिवार है, यह इलाज के लिए देहरादून गया हुआ था, पूरा परिवार गया हुआ था, घर पे ताला बंद था और जब वो कल लौटे हैं तो देखा है कि घर में उनके चोरी हुई है और इसमें आसपास जो कैमरे उनको देखा जा रहा है, बाकी चीज़ें देखी जा रही है। जल्दी इस घटना का, चोरी की घटना का पर्दाफाश। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर पर लोहे की रॉड से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये मामला उस वक्त का है जब युवक घर वापस जा रहा था। उसी दौरान युवक के मकान के पास ही गली के अंदर चार आरोपी उसका इंतजार कर रहे थे, जिसमें आरोपी गुरमीत और बाबू नेपाली के साथ दो अन्य लड़के भी शामिल थे। मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें जब गली से शोर सुनाई दिया तो वो भागकर वहां गए और वहां पर देखा कि उसका छोटा भाई उल्टे मुंह पड़ा हुआ है और आरोपी उसे रॉड और डंडे से मार रहे हैं। मृतक के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने कहा कि अगर कोई बीच में आया तो वो उसे जान से मार देंगे और फिर से उसके भाई को पीटने लगे। पीटने के बाद आरोपी स्कूटी पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। तो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां छोटे भाई ने भी उसे अपने भाई को पिटते हुए देखा और पीट पीट कर दबंगों ने हत्या कर दी प्रॉपर्टी डीलर की। और लेकिन जब भाई उसे बचाने आया तो उसको भी धमकाया गया कि जो भी बीच में आएगा उसे भी मार दिया जाएगा। उसके बाद आरोपी स्कूटी पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।